आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अपने पैन कार्ड में आधार नंबर को कैसे लिंक करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बोल दिया जाए कि आपको पैन कार्ड में आधार नंबर लिंक करने आता है, तो वो बोलता है कि हमें नहीं आता है। और इस सिचुएशन में अगर आप शॉप वाले के पास जाते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 100 से 150 रुपीज़ की चार्ज कर देता है और वो आपको देना पड़ता है। तो मैं आपको घर बैठे बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से पैन कार्ड में आधार कार्ड को कैसे लिंक करेंगे, इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में आधार नंबर को लिंक करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैन कार्ड में आधार नंबर लिंक करने के लिए मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप पैन कार्ड में आधार नंबर लिंक करेंगे। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जहां से जाने के बाद भी आप इस पेज पे आ सकते हो, या आप अपने मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप उसमें ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र में टाइपिंग करेंगे ई फिलिंग, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ये ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ जो देख रहे हैं पहले वाले लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ई फिलिंग का जो वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार लिंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहां से बहुत ही आसानी से आप अपने पैन कार्ड में आधार नंबर लिंक कर सकते हैं। दूसरा मैं दिखा देता हूं, दूसरा मैं आपको यहां पर टाइपिंग कर देना है TNDLS। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब पहले वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैव यू लिंक योर आधार विथ पैन, यस कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि वेलकम टू टीन वेबसाइट, यस कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये आपके सामने कुछ पैन कार्ड का आपको पिक ओपन होकर आ जाता है, रीड कर लेंगे। मुझे पता है किसी को रीड करना नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्विक लिंक, यहाँ नीचे मिलेगा आधार पैन लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन मिल जाता है आपको लिंक आधार टू पैन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये वाला जो ऑप्शन है, अब पहले वाला मैं दिखाया था वो जो ई फिलिंग के द्वारा किए थे, ये दोनों सेम ही है, तो आप जिससे करना चाहें उसे आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं पहले वाले से मैं जो आधार को लिंक कर लेता हूं। तो पैन कार्ड में आधार नंबर लिंक करने के लिए अपना यहां पैन नंबर डालेंगे, ये आधार नंबर, यहां आधार नंबर डालेंगे, आधार पे जो नाम है वो नाम यहां पे डालेंगे। चलिए मैं आपको डाल के दिखा देता हूं क्योंकि हमें तो करनी है। अब यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे, यहाँ आधार नंबर डालेंगे, आधार पे जो नाम है वो डालेंगे। अब यहाँ बोला जा रहा है कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार, मतलब आपके जो आधार है उस पर सिर्फ ईयर है, मतलब आपका जो डे और मंथ नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली ईयर है सिर्फ आपके आधार पे, तो यहाँ चेक मार्क करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड पे डे, मंथ और ईयर तीनों है तो यहाँ पे आप चेक मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ बोला जा रहा है कि आई एग्री टू वैलिड माय आधार डिटेल्स विथ UIDAI, तो ये आपको इस पर चेक मार्क कर देना है। यहाँ पे कैप्चा है, आपको कैप्चा इसमें डाल देना है। अगर कैप्चा के द्वारा आप रजिस्टर करना नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैप्चा डाल के यहाँ लिंक आधार पर ओके करेंगे। अगर आप OTP के द्वारा आप अपने पैन कार्ड में आधार नंबर लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली जो है यहाँ चेक मार्क करके OTP मंगाएंगे। तो चलिए हमें कैप्चा डाल के यहाँ पे लिंक पे ओके करेंगे, तो मैं यहाँ कैप्चा डाल देता हूँ। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से कैप्चा को आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा ला सकते हैं। चलिए मैं कैप्चा यहाँ डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ कैप्चा डाल दिया, कैप्चा डालने के बाद यहाँ लिंक आधार पे ओके करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो आधार कार्ड पैन कार्ड में जो है ये लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीन का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो आप भी बहुत ही आसानी से इसी तरीके से अपने पैन कार्ड में आधार नंबर लिंक कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम अपने पैन कार्ड में आधार नंबर को लिंक करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।